हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा बापसा से अंजुना मार्केट, और इस पूरी रास्ते को आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बापसा है या उस बीच में असागांव आएगा, और जो अंजुना मार्केट है वो अभी जो है मंथ ऑफ जुलाई जो कि बिल्कुल एंड होने वाला है कि किस तरह से ओपन है। इस वीडियो में आपको वेदर बताऊंगा मैं कि गोवा में वेदर कैसा है और किस तरह से आने वाले टाइम पे हो सकता है और क्या क्या चीजें ओपन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है मापसा, जो जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ था वो था गांधी सर्कल। मापसा का काफी फेमस सर्कल है ये, और ये सामने बहुत ही सुंदर हनुमान जी का मंदिर है। और हम जाएंगे अंजुना मार्केट। हम अंजुना बीच की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब बीच आएगा उसमें, बट अंजुना जो बीच है जहाँ से बीच एक्सेस है वहां ना जाके अंजुना मार्केट पे जहाँ एंड होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही सुंदर जगह है, वो भी आप आए तो उसको भी जरूर एक्सप्लोर करें। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो एंड जो है इस वीडियो का बहुत सुंदर होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं मापसा से असागांव की तरफ। बीच में असागांव आएगा, बहुत ही सुंदर जगह है ये भी। जब आएगा मैं आपको इसके डिटेल में बताऊंगा कि असागांव आपको क्यों आना चाहिए और किस तरह से जो है वो बिल्कुल एक हॉटस्पॉट बना हुआ है अभी गोवा का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की, के वेदर कैसा है। तो पीछे पूरा जुलाई जो है ऑलमोस्ट जो है वो उसमें काफी सारे अलर्ट्स आए, उसमें रेड अलर्ट आया, येलो अलर्ट आया, ऑरेंज अलर्ट आया, और एक बार फिर से जो है वो रेड अलर्ट आया। तो आप अगर मेरा जो है वो शॉर्ट वीडियो देखते हैं डेली वेदर अपडेट का, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या उन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनको बता दूं कि काफ़ी सारे बारिश जो हुई है पूरे मंथ ऑफ जुलाई में, उसके बाद से कल जो है वो वेदर जो है वो खुलना स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि कल जो है वो भी अच्छी धूप निकली थी जैसे मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था, और आज भी जो है वो मौसम जो है वो ऑलमोस्ट खुला हुआ है। बीच बीच में थोड़े से आते हैं पासिंग शावर्स आते हैं, बट ऐसी ज़्यादा हैवी रेन नहीं है, और आप मौसम को देख के भी समझ जाएंगे कि उस तरह की रेन अभी नहीं होने वाली है। और जो आने वाले वीक है उनमें जो प्रेडिक्शन है उसमें भी ऐसा ज़्यादा हैवी रेन की कोई भी ऐसी वार्निंग नहीं है। हाँ, मॉनसून का सीज़न है, बारिश हो सकती है, बट ऐसी मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ दिन जो है वो ऐसी हैवी रेन की कुछ चांसेस है। तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो असागांव एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे जो है जो खास बात है तो आप देखेंगे कि चारों तरफ ग्रीनरी बहुत है। यहाँ पे उस चीज़ को जो मेंटेन किया है कि जो गोवा की जो लोकल हेरिटेज है, जिस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे ये गुलाबो है अबू संदीप का, बहुत बड़ा जो डिज़ाइनर है ये, उनका शोरूम है ये, तो यहाँ पे आपको उसी तरह की कुछ चीज़ मिलेगी। आपको जो रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और जो यहाँ पे आपको रेस्टो बार मिलेंगे उसमें आपको काफ़ी लोकल टच मिलेगा, जैसे पोर्चुगीज हाउस में किसी ने खोला हुआ है, किसी ने जो स्ट्रक्चर भी बनाया है वो थोड़ा सा गोवन स्टाइल का होगा, आर्किटेक्ट जो है उसका वो गोवन रहेगा, जो यहाँ का फूड है उसको जो है ऑथेंटिक रखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल अलग मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो जापानीज रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे कुछ बहुत ऑथेंटिक, और हर दिन यहाँ पे जो है हर दिन तो नहीं बोलूँगा लेकिन जब भी मैं इस रोड पे आता हूँ तो कुछ ना कुछ नया रेस्टोरेंट या कुछ नया कंस्ट्रक्शन होता हुआ जरूर दिखता है मुझे। ये काफ़ी जो है हैपनिंग सी एक जगह है, और ये बीच से हटकर है, उसके बाद भी काफ़ी लोग यहाँ आना प्रेफर करते हैं। एयरबीएनबी की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, आप यहाँ पे सर्च करें कभी असागांव, आपको बहुत यूनिक और बहुत अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। और यहाँ मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपको एक बार जो है असागांव में जो भी आपको कुजीन पसंद है, जापानीज, थाई, लोकल गोवन फूड या जैसा भी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करेगा। काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे, और आप देख ही रहे कि इतना ज़्यादा जो है वो बिल्कुल चारों तरफ से झाड़ और पेड़ों से कवर्ड है पूरा ये एरिया। बहुत सुंदर एरिया है, मतलब मुझे पर्सनली असागांव बहुत पसंद है, और आज की तारीख में बिल्कुल हॉटस्पॉट है ये, मतलब काफ़ी लोग आना पसंद करते हैं यहाँ पे।
कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो लोकल या गोवन टच को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। एक है यहाँ पे विला नंबर 259, वो भी जो है वो पोर्चुगीज हाउस में बना है, बार एंड रेस्टोरेंट है, एक गन पाउडर है, कन्वर्ट किया है स्टे में रेस्टोरेंट्स एंड बार। तो ये है अस्सा गांव, जो कि इससे पहले जो नहीं आए हैं उन्हें जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार जो है आप जरूर आए, क्योंकि अंजुना और वाघा टॉल से काफी पास है, ऐसा आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब हम जो है ऑलमोस्ट अंजुना की तरफ एंटर कर चुके हैं। अगर यहाँ से आप राइट लेंगे तो वाटर टॉक की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो अंजुना की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से जो राइट वाला वाघा टॉक का रास्ता है, इसमें अभी जो है लास्ट टाइम मैं गया था तब काफी काम चल रहा था, बंद था ये रास्ता। मुझे नहीं लगता है कि मानसून में जो है वो काम कम्प्लीट हो पाया होगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी वाले रास्ते से ही वाघा टॉक भी जाएं। चुके हैं अंजुना के पास, ऑलमोस्ट यहाँ से 3 किलोमीटर बचा है अंजुना का जो मेन बीच है। यहाँ पे भी काफी कुछ नई प्रॉपर्टीज बनी इस रूट में भी, ये असगा अंजुना रूट कहते हैं। आगे से जो है वो शिवलिंग वाली रोड भी मिलती है, आप वहां से राइट लेंगे आगे से तो शिवलिंग को निकल जाएंगे। तो ये काफी जो है वो काफी अच्छी जगह बन चुकी है यासा गांव और जो अंजुना वाली रोड है। ये जो सामने सर्कल आ रहा है, ये आपको यहाँ से आप वाघा टॉक भी जा सकते हैं, शिवलिम भी जा सकते हैं, और स्ट्रेट जाएंगे तो आप पहुंचेंगे अंजुना की तरफ। तो हम जा रहे हैं अभी स्ट्रेट। जो है बिल्कुल आ चुके मेन अंजुना रोड पर, यही रोड एकदम स्ट्रेट जाना है हमें, और जो लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल इसी रास्ते पे आएगी। और ये अंजुना पे जो डोमिनोज है वो है लेफ्ट एंड साइड पे। देखते कितना मार्केट ओपन है, इतनी बारिश जो हुई है इस बीच गोवा में पूरे महीने, देखते हैं अंजुना जो है वो कितना ओपन है उसके मार्केट से। एक बार पहले मैं आया था रात में, बट वो जून था, उस टाइम पे तो जो है काफी सारी चीजें ओपन थी। ये एक टेम्पररी शॉप है लेफ्ट में, ये ओपन है अभी, तो मुझे लगता है कि आगे भी होना चाहिए, क्योंकि अंजुना चाहे मानसून हो जो भी हो बट लोग अंजुना आते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चीजें बहुत तो नहीं ओपन मिलेगी मुझे ऐसा लगता है, बट लेकिन जितने में मिलेगी एक डिसेंट नंबर पे तो ओपन होगी। एक और ये शॉप है जो कि ओपन है अभी, कुछ लोग जो है वो परचेस भी कर रहे हैं यहाँ से, और है चीजें ओपन है यहाँ पर। जो मेन मार्केट की जो शॉप्स है वो है कुछ ओपन है, कुछ क्लोज है और कुछ ओपन हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है।
अगस्त में मुझे लगता है इसे ज्यादा ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जो जुलाई रहता है उसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है गोवा मेनली, अगस्त में थोड़ी कम होती है। एक ही है लेफ्ट में, ये एंग्री सरदार, ये काफी फेमस है। अगर आप जो है कुछ नॉर्थ इंडिया का ट्राई करना चाहते हैं गोवा में, तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अंजुना पे तो जरूर ट्राई करिएगा, काफी लोग आते हैं, काफी भीड़ रहती है यहाँ पे, काफी सेलिब्रिटीज भी आ चुके हैं, ऋतिक रोशन है और भी काफी लोग जो है वो आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे एंग्री सरदार, आप ट्राई कर सकते हैं। सामने भी आप देखेंगे तो जो शॉप्स है ये ओपन दिख रही है। जून से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कम है, उसके पीछे रीजन ये है कि इतनी बारिश हुई है, और यूजुअली जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश होती ही है गोवा में, अगर हम पूरे मॉनसून साइकिल की बात करें तो। और इस साल तो जो है वो बहुत ही ज्यादा हुई है, काफी सारे अलर्ट जो है वो एक ही महीने में आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अगस्त में थोड़ी कम बारिश रहेगी, जुलाई से तो मुझे लगता है कम रहेगी, बट फिर भी मॉनसून सीजन है तो बारिश तो यही लेके चलना चाहिए कि रहेगी, बट थोड़ी तो कम रहे। तो जैसे पहले हो रहा था कि थोड़ा ब्रेक मिल रहा था, जैसे अभी है कि ब्रेक मिल रहा है और धूप भी है, और अगर इसमें 1 से 2 घंटे बारिश हो जाए तो मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम होगी, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। जो घूमना है वो भी घूम सकता है, और जो जिस तरह की ये शॉप से वो लोग के बिजनेस हो सकता है, और जो फार्मर्स है उनको भी जो है वो इतनी तकलीफ नहीं होती। तो यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो हम लोग वागत और जा सकते हैं यहाँ से भी, और हम जाएंगे स्ट्रेट, सीधा जाएंगे हम लोग। ये हम जो है पहुंच चुके हैं अंजुना की, सामने जो है वो अंजुना बीच की पार्किंग है। बीच तो नहीं कहूंगा मैं इसे, क्योंकि यहाँ पे कोई सी शोर नहीं है, कुछ ऐसा बीच वाला ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो यहीं पर है। बट मुझे लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन होता था। गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर देखते क्या है सिचुएशन। तो ये है इस जगह की पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, आप इजीली अपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर जो भी है वो पार्क कर सकते हैं। और सामने ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आने वाला है जिससे कमाल का व्यू दिखने वाला है। तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट दूंगा जो भी बनेगा। तो ये है सामने की तरफ इस लोकेशन की एंट्री, और एंट्री पर ही आपको जो है ये 4-5 शॉप मिल जाती है, जहाँ से आपको कुछ ऐसा लगता है परचेस करने के लिए, तो आप देख सकते हैं। अभी भी जो रास्ता है वो पूरी तरह से बना नहीं है, काम अभी भी चल रहा है, तो बारिश के कारण हो सकता है कि काम रुका हुआ हो, बट सामने आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल का व्यू दिखने वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत ही स्टनिंग, बहुत ही कमाल का व्यू है। और आज जो है वो मौसम भी जो है खुला हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई और कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छी वेव्स आते हुए आपको दूर से दिख रही है, कि दूर से बहुत सारी वेव्स आ रही है और यहाँ पे वो आके हिट कर रही है, बहुत सुंदर है। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो वहाँ पे जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था वो बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा हवा की नॉइस थी उसमें, तो मैंने इसको दोबारा से जो है वो वॉइस ओवर फिर घर पर किया है अभी। तो नीचे आप देखेंगे तो काफ़ी सारा जो है आपको चलने के लिए, बैठने के लिए काफ़ी जो है परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, इजीली आप यहाँ पे जा सकते हैं, कोई भी किसी तरह की रिस्क नहीं है। और जो सामने में पॉइंट कर रहा था वहाँ पे आपको जो पर्पल मार्टिनी है वो है, जो क्लिफ के वहाँ पे आपको दिख रहा है पर्पल मार्टिनी का व्यू वहीं से आता है, और आप इजीली जो है यहाँ पे फ़ोटो अपनी क्लिक करवा सकते, आप आराम से बैठ कर जो है वो इस व्यू को इंजॉय कर सकते, बहुत ही कमाल और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। तो आप इस लोकेशन पर ज़रूर आएँ, जब भी आप अंजुना आए तो ये लोकेशन पे ज़रूर आप थोड़ी देर रुकें, आप अपने फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते हैं, कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया एकदम व्यू मिलेगा और कमाल की फ़ोटोज़ आएगी। सनसेट में तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता होगा। ये नीचे जाने के लिए जो है वो स्टेज भी है और आप रैंप भी है साइड से
आप वहाँ से भी नीचे जा सकते और काफ़ी आप ऑलमोस्ट नीचे जा सकते। कुछ लोग तो मैं देख रहा था कि जो क्लिफ है जहाँ पे थोड़ी चट्टाने बनी हुई है बिल्कुल वहीं खड़े थे, बट वो रिस्की हो सकता है। वो हमेशा मैं कहता हूँ कि इस वेदर में तो प्लीज़ उसको बिल्कुल अवॉइड करें। और जो सामने जहाँ ये वेव हिट कर रही है, ये बिल्कुल ब्लॉक जो है ये सीमेंटेड ब्लॉक है, जैसा आपने बैंडस्टैंड मुंबई में देखा हो उस तरह से गवर्नमेंट ने डाले हुए इसको, ताकि वो जो जगह है उसको प्रोटेक्ट कर सके। जो मिट्टी है, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सीमेंटेड ब्लॉक, ये जो मिट्टी है वो वहाँ से ना गिर जाए जो ऊपर जो भी है, क्योंकि कच्ची है यहाँ पे मिट्टी ना, तो इस वजह से। तो ये है वो कमाल की जगह। जब वीडियो शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था जब एंड होगा तो बहुत ही कमाल की जगह पे एंड होगा ये। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये व्यू और जो ये लोकेशन है ये तो बिल्कुल आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आपने जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। तो रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।